ये देखिए हाजी लोग का रश हमाम नंबर 3 के पास। ये है हमाम नंबर 3। आप लोग वीडियो पूरी देख, आप लोग को मैं पूरी मालूमात दूंगा हरम शरीफ की। आज की क्या अपडेट है हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में, ऐसा कि मगरिब की नमाज़ मस्जिद जिन में पढ़े है गज्जा वाली साइड पे, वैसा की नमाज़ यहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह हरम शरीफ में। वीडियो पूरी देखिए इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ शुरू से वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद जिन में हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़े है और इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं हरम शरीफ के लिए। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, अभी क्या हज की अपडेट है, आगे की पोजीशन क्या है हरम शरीफ की, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए ये मस्जिद जिन और ये क्लॉक टावर है जा रहे हैं। ये देखिए ये गज्जा वाली साइट है और गज्जा वाली साइट से इधर सब होटल है रेस्टोरेंट है और ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्लॉक टावर। और ये जा रही है 4 नंबर फ्री बस, ये पूरे मक्का में फ्री चलती है ये बस। गज़ा वाली साइड पर भी अच्छी शॉपिंग करने की दुकानें हैं, सब छोटी छोटी दुकानें हैं गज़ा वाली साइड में भी। देखिए आप ऐसे लाइन से दुकानें हैं, ये गज़ा वाली साइड है। उधर आगे जो मस्जिद जिन है, मस्जिद जिन से ऐसे आएंगे अपन सीधे तो खूब ढेर इधर साइडें हैं, दुकान है शॉपिंग करने के लिए। बुरका रहता है, हर चीज़ रहती है इस दुकाने में। इधर देखिए सब बच्चों का खिलौना वलौना भी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, इधर करेंसी चेंज होती है, करेंसी चेंज करवानी है तो यहाँ से करेंसी चेंज करवा सकते हो। ये देखिए ये मस्जिद जिन के थोड़ा सा आगे आएंगे इस साइड से करेंसी चेंज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये गज़ा वाली साइड थोड़ी सी इधर आगे आएगी अपन तो इधर अलबैक की न्यू होटल खुली हुई है। ये देखिए ये हरम शरीफ की इधर पीछे साइड में सफ़ा मरवा की साइड से अलबैक ये लोग खोले हुए हैं, अलबैक की रेस्टोरेंट खुली है। ये देखिए इधर अल्ताज और इधर अलबैक माश। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है अभी की हरम शरीफ में। आज 4 मुहर्रमुल हराम है, 4 मुहर्रमुल हराम की ये पोजीशन है। ये देखिए ये अरबी गावा दे रहा है। आज 22 जुलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पियो गावा, ये देखो ये गावा पी रहे हैं। हाँ जी साहब लोग, ये देखिए इस ये जो घर है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यहीं पर हुई थी माशाल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और इधर है जो ये, हाँ ये अबू जहल अम्माम है। ये अबू जहल का घर यहाँ पे था तो इस उसके घर की जगह हम्माम बना दिया गया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये सब अभी की पोजीशन है। ये ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के वास्ते, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के वास्ते सब बैठे हुए हैं। अभी ऐसा का टाइम है, आफ्टर 30 मिनट ऐसा की अजान होगी। ये देखिए माशाल्लाह हुज्जाज इकराम लोग जमजम से हाजी लोग सहरियाब हो रहे हैं, जमजम पी रहे हैं। और अभी जाएंगे अपन इस साइड। ये देखिए जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये 1 2 3 ये सफ़ा मरवा है, इधर ही सही करते हैं तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती देखिए हरम शरीफ की, मस्जिद अल हरम की। और क्लॉक टावर में टाइम देखिए 8:05 हो रहा है। ये देखिए एक खादी में मक्का माशाल्लाह, हाजी लोग कैसे जमजम ले जाते हुए। और इधर देखिए इधर भी रश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा की पहाड़ी है ये, इस साइड से सफ़ा स्टार्ट हो जाता है और उस साइड से मरवा, समझे। हाँ सफ़ा है। ये देखिए माशाल्लाह काबा, काबतुल्ला दिख रहा है, ज़ियारत काबा माशाल्लाह हरम शरीफ अल हरम। इधर सब खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, इधर भी देखिए सब जा रहे हैं हुज्जाज इकराम लोग
एंट्री करने के वास्ते। जो लोग एहराम पहने हैं उन लोग का ही नीचे से एंट्री होएगा, जो बगैर एहराम है विदाउट एहराम है उन लोग का ऊपर से एंट्री करेगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी हरम शरीफ दिखता है एकदम साफ। सिर्फ इसको ज़ूम कर लो और ये मैं आ गया हरम शरीफ के शाहन में, मस्जिद अल हरम के शाहन में। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मगरिब की नमाज़ मस्जिद दिन में पढ़े थे, ईशा की नमाज़ यहाँ पढ़ेंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ने बाद रूम पर चले जाएंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उम्रे वालों की एंट्री है। यह हमाम नंबर 3 है, हमाम नंबर 3 के सामने से उम्रे वालों की एंट्री है। ये जो अंदर जा रहे हैं देखिए माशाल्लाह ये सब उम्रा करने वाले लोग जा रहे हैं अंदर। और ये देखिए ये जो है ना इस पर लिखा है खुदाई, इधर नीचे से इंडियन हाजी लोग की गाड़ी लगती है इस साइड खुदाई की तरह, खुदाई की जानब ये रास्ता जाता है तो उन लोग की गाड़ी लगती है इंडियन हजाज कराम लोग की। अभी देखिए 8:30 हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐशा की अजान होने के रास्ते सिर्फ 10 मिनट बाकी है। फिर ऐशा की अजान होगी, ऐशा की नमाज़ पढ़ेंगे, ऐशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस हम लोग रूम पर चले जाएंगे। मैं आप लोगों के वास्ते ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को आज की क्या कंडीशन है। 22 जुलाई की चार मुहर्रमुल हराम है आज के दिन। देखिए माशाल्लाह अभी भी रश उतना नहीं कम हुआ है जितना कम होना चाहिए। देखिए ये माशाल्लाह इधर सब फैन चालू है, पंखा चालू है, फुवारा आ रहा है सब में से पानी का। माशाल्लाह बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। पूरे हरम शरीफ में चलते रहता है गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से। अभी मई जून जुलाई चालू है ना, जुलाई चालू है इसके लिए इन लोग चालू रखते हैं। और ये देखिए भाई साहब माशाल्लाह खादी में मक्का जमजम का सब कूलर लेके आया हुआ है, जमजम कूलर। इधर देखिए जो हिजाज इकराम लोग बैठे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐशा की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐशा की अजान हो गई। चलिए अब ऐसा कि अजान हो चुकी है, अब नमाज़ पढ़ने बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद कभी बताएंगे ऐसा कि नमाज़ छुपने के बाद का, ऐसा कि नमाज़ ख़त्म होएगी फिर उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि जमात ख़त्म हो चुकी है और ये रस देखिए बाद ऐसा कि नमाज़ के बाद का रस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 नंबर हमाम है, इसके पास बहुत रश रहता है 3 नंबर हमाम के पास, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन हजाज कराम लोग का एड्रेस आप पूछोगे तो वो यही बोलते हैं कि यार 3 नंबर हमाम पे मिलो। हम लोग खुद यहाँ पे कोई भी हाजी लोग से अगर मुलाकात करने के लिए आते हैं अगर हाजी लोग का बिल्डिंग का एड्रेस नहीं पता रहता है तो फिर हाजी लोग को कॉल पर बोलते हैं कि यार 3 नंबर बिल्डिंग नंबर पर आके मुलाकात करिए, हम लोग वहीं पर है 3 नंबर में। ये देखिए माशाल्लाह इधर अभी रश बहुत है, आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई की ऐशा का रश। ये देखिए इस साइड भी देखिए पीछे साइड ये देखिए ये है 3 नंबर हम।
चलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी एक अच्छी सी एक कमेंट कर दीजिए, अपनी राय बता दीजिए।